गुड मॉर्निंग लीजिए, आज मैं फिर आ पहुंचा हूं पुतरादु के इस घाटी पे। आज मैं आपको लिए चल रहा हूं एक नए पिकनिक स्पॉट पे। जी हां, अभी से कुछ दिनों तक मैं आपको नए नए लोकेशन को दिखाता रहूंगा, ताकि आप भी जान सकें कि रांची में छुपे हुए और भी कितने पिकनिक स्पॉट हैं, जहां आप नए साल में वहां जाकर आनंद उठा सकते हैं। हाँ, इस समय मैं पुतरादु घाटी के व्यू पॉइंट पे हूँ। ये देखिए, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन, ठीक है। हम लोग जस्ट इसी के पास में ही हम लोग अभी जाएंगे। ये आप जो राउंड शेप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ से होते हुए फिर आगे वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ से एक पतला रास्ता जो जाता है वो आमतौर पर नज़र में नहीं आता है। चलिए दिखाता हूँ आपको रास्ता, ठीक है। आज नहीं लगा पाएंगे यहाँ से कोई लेफ्ट टर्न है। देखिए वो रास्ता जो दिख रहा है ना, मैंने ये देख लिया। देखिए ये यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। चलिए दिखाते हैं आपको। चलिए चलिए, ये देखिए क्या शानदार नजारा है। चारों तरफ पहाड़, नदी, ये आज का ये स्पॉट जो है थोड़ा एडवेंचरस है। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं वो यहाँ आना जरूर पसंद करेंगे। दिखाते हैं अंदर जंगल में। अभी हम लोग इधर से जाएंगे ट्रैक करते हुए, इधर से बहुत शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए, चल पड़े हम लोग उस नए स्पॉट को आपको दिखाने। ठंड तो जबरदस्त है। आराम से आराम से। बहुत लग रही है। हाँ, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा अभी। हाँ, हाँ थोड़ा सा दूर तो है। ये पक्का बनाया हो तो कुछ ना कुछ होगा इधर रास्ते। पक्का ट्रैक्टर गया है ये तो। चलो देखते हैं। हाँ ट्रक का ये हाँ बना रहा है। Yes.
कांटा है कांटा। हेलमेट ले लीजिए। अरे यार स्लिपी है। इसीलिए तो देख नहीं आता। है तो जूता भींगा हुआ है ना, देखना पकड़ पकड़ के। हाँ पकड़ते पकड़ते बच्चा भी। हाँ हाँ पकड़ लो पकड़ लो। चलिए ये देखिए क्या नजारा है। हाँ ठीक पकड़ेगा पकड़ेगा। आइए आइए पकड़ो क्या। नहीं दिए उपल डंडा पकड़िए। ये इसको दे दिए। लकड़ी का डंडा पकड़िए। इसको पकड़िए लाइए। एक लकड़ी की अब लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं है और पत्थरों को पार करना होता है। नदी पार करने में काम आएगा ये डंडा, समझा ना। नदियों तक क्रॉस करना ही पड़ेगा ना, तो एक डंडा हाथ में चाहिए। ये देखिए फिर वापस क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ अब पहुंच ही गए हम लोग तो। राइट साइड से चलना। अब आपके मन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लोग लकड़ी लेकर क्यों चल रहे हैं। जनाब आज हम लोग पिकनिक मनाएंगे वहाँ पे। अभी सुबह के तो करीब 6:30 हो रहे हैं, तो कुछ हल्का फुल्का तो ज़रूर बनाएंगे। लीजिए हम लोग पहुँच गए उस लोकेशन पे। ये देखिए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ कोई पहुँचता होगा। आप इत्मीनान से पिकनिक का मजा ले सकते हैं यहाँ पे। चाहे तो धूप हो तो यहाँ आराम से नहाइए। और देखिए ये जगह तूफानी। अभी गर्मी आएगा, गर्मी आएगा। हाँ इसका बहुत सालों का तमन्ना है कि यहाँ अभी तक नहाए नहीं है। हम लोग जो आए थे क्रिकेट खेले थे एक जनवरी को। ये देखिए
देखिए क्या शानदार नज़ारा है। दिन दुनिया से बेखबर हम लोग यहाँ इस बियाबान में, इतना साफ पानी है। थ्री सिक्सटी का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए चूल्हा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इधर 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 एक और। ओहो हो जाएगा ना। हाँ गिलास है, बहुत है। आज अभी हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय के बाद देखते हैं कुछ और भी बनाएंगे। साथ में लाए हैं मैगी, सुबह सुबह तो यही हो सकता है। खाना पीने का कार्यक्रम तो दिन में होना चाहिए। इतना इंतजार चाय का कभी नहीं रहा हम लोगों को। Cheers। इस तरह चाय पीने का आनंद बहुत लाजवाब है। पूरी तरह शांत वातावरण है यहाँ पे, कहीं कोई नहीं, बस हम लोग हैं और ये प्रकृति है। बहुत शानदार। ये देखिए पत्ते से हम लोग प्लेट बना रहे हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक, सब कुछ नेचुरल, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं। वैसे आप लोगों से भी आग्रह है, जब भी आप कभी ऐसे किसी लोकेशन पर आए तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कोई कचरा जो है यहाँ ना फैले। देखिए कहीं कोई कचरा नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है। पानी तो बहुत ठंडा है, लेकिन अपने आप को नहाने से नहीं रुक पा रहे हम लोग। अभी यहाँ नहाएंगे, जब तक मैगी बनता है तब तक हम लोग नहा लेंगे। पानी बहुत है, पानी और डालना हो। पानी तो बहुत है, ज्यादा तुरंत इतना आपको मतलब उतारने टाइम इतना होना चाहिए। डाल दे कि हमारा मैगी बनकर तैयार हो गया है, बस अब ये पेट में जाने को तैयार है। देखिए
हम लोग यहाँ कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, जो कुछ भी कचरा है उसको साथ में यहीं लेकर जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जब भी आप किसी ऐसे लोकेशन पर जाएं तो कचरा वहाँ न छोड़ें, ताकि फिर आए तो फिर साफ सुथरा पाए। हाँ हाँ जरूर। तो कैसा लगा आज का लोकेशन, है ना मस्त? आइए आप लोग भी, थोड़ा सा ट्रेक करना पड़ेगा हल्का फुल्का, लेकिन जगह बहुत ही शानदार है। यहाँ आपको 1 जनवरी को भी कोई व्यक्ति यहाँ नहीं दिखेगा, बस आप इंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह फिर किसी ऐसे जोरदार लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय ज्वार।